हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई टर्म टू एग्ज़ामिनेशन को लेकर। सीबीएसई ने बहुत पहले ये कहा था कि अगर आपका टर्म वन एग्ज़ाम ऑफलाइन हेल्ड होता है तो उसकी वेटेज 50% होगी, और टर्म टू एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा तो उसकी वेटेज भी 50% होगी। हम सब ने देखा सीबीएसई ने टर्म वन एग्ज़ाम ऑफलाइन ही कंडक्ट किया। फिर हम सब ने ये भी देखा कि किस तरह से एमसीक्यू पेपर होने के बावजूद भी सीबीएसई ने काफ़ी देर बाद भी रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया। सीबीएसई ने रिसेंटली क्लास 10th और 12th दोनों के टर्म वन के रिज़ल्ट डिक्लेयर तो कर दिए, पर आप सब ने नोटिस किया कि ये रिज़ल्ट उन्होंने ऑफलाइन डिक्लेयर किए, वेबसाइट पर डिक्लेयर नहीं किए। पहला तो रिज़ल्ट इतनी डिले में डिक्लेयर हुआ, और वो भी स्टूडेंट वेबसाइट से चेक नहीं कर पा रहा था, अपने स्कूल और स्कूल के टीचर्स पर डिपेंड था अपने स्कोर को जानने के लिए। ऐसा सब क्यों हुआ? ऐसा सब इसलिए हुआ कि टर्म वन एग्जामिनेशन में सीबीएसई को मैसिव रिपोर्टिंग की गई थी कि कुछ स्कूल्स के द्वारा चीटिंग कराई गई है, मैनिपुलेशन किया गया है स्कोर्स पे, और अनफेयर मीन्स भी अडॉप्ट की गई हैं। क्योंकि सीबीएसई ने स्कूलों पर छोड़ दिया था कि आप क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवा लीजिए एग्ज़ामिनेशन से पहले, तो सभी स्कूल्स ने तो नहीं, पर कुछ स्कूल से ज़रूर कुछ गड़बड़ियां हुई, जिस वजह से टाइम पर रिज़ल्ट सीबीएसई का टर्म वन का डिक्लेयर नहीं हो पाया। इसके बाद जब सीबीएसई ने टर्म वन का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया तो वहाँ पर सर्कुलर में जो उन्होंने प्रिंसिपल को भेजा, वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन क्या लिखी कि वेटेज ऑफ टर्म वन विल बी डिसाइडेड आफ्टर टर्म टू एग्जामिनेशन। ये लाइन आप सभी के लिए एक अलर्ट, एक सिग्नल है कि टर्म टू एग्जामिनेशन ही एक तरह से अब आपका फाइनल एग्जामिनेशन है। दैट इज सीबीएसई ने अपनी बात से पलटी मारी है। अब टर्म वन एग्जामिनेशन का वेटेज एटलीस्ट 50% तो नहीं होने वाला। ये वेटेज कितना भी हो सकता है, 10%, 20%, 30%, पर 50% नहीं होगा। इसलिए जो भी बच्चे अभी टर्म टू एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो टर्म टू एग्ज़ामिनेशन को ही अपना फाइनल एग्ज़ाम मानकर चलें। इसका वेटेज टर्म वन के मुकाबले ज़्यादा होगा, ये बात तो 100% कन्फर्म्ड है। इसलिए टर्म टू पर फोकस करें। टर्म वन में चाहे आपके मार्क्स अच्छे आए हों या बुरे आए हों, अब उसका उतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है जितना पहले था। ज़रूर ये उन बच्चों के साथ अनजस्टिस है, अनफेयर है, जिन्होंने कोई भी चीटिंग, मैनिपुलेशन या अनफेयर मीन्स को अडॉप्ट नहीं किया, ईमानदारी से तैयारी की, पहली बार लाइफ में एमसीक्यू पेपर दे रहे थे, सही से पेपर अटेम्प्ट किया, अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, अच्छे मार्क्स उनके आए भी होंगे, पर अब उनका जो वेटेज है वो रिड्यूस कर दिया गया है, क्योंकि सीबीएसई को खुद नहीं पता कहाँ कहाँ पर गड़बड़ी हुई है। इसलिए उन्होंने ओवरऑल ये फैसला लिया है कि टर्म वन का वेटेज जो है रिड्यूस हो जाएगा, और डेफिनेटली टर्म टू का जो वेटेज है वो इंक्रीज होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट होता है अकाउंट्स को लेकर और किसी टॉपिक को लेकर, आप वीडियो में कमेंट करें, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।